गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अगेन ऑल स्टूडेंट दिस सोशियोलॉजी सेशन चैप्टर नंबर 5 तहजीब और समाजियतकारी। पिछले सेशन में हमने तहजीब के मानी, तहजीब की खसूसियत, तहजीब की किस्म के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है तमद्दुन, जिसे गुजराती में कहते हैं सभ्यता। तमद्दुन के मानी के मुतालिक अलग अलग नज़रिए कायम हैं। तहजीब और तमद्दुन के दरमियान ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फिर भी इन दोनों के दरमियान जो बारीक फ़र्क है हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तहजीब यानी ज़िंदगी जीने का तरीका, हमने उसमें इल्म, अकीदा, फ़न, अखलाक, कानून, रिवायत वगैरह के ज़रिए हासिल किया हुआ है और शामिल है। लेकिन तमद्दुन के मानी में, तमद्दुन यानी कि हासिल किरदा ज़िंदगी के मुतालिक वो तमाम मामलात का मजमुआ और समाजी निज़ाम जो इंसान को हैवानी समाज से अलग करता है। मिसाल के तौर पर वादिय सिंध का तमद्दुन। तहजीब और तमद्दुन के दरमियान फ़र्क का पेश करने वाले माहिर उम्रानियत में काइवर बताते हैं कि समाज की इकदारी तख्लीक तहजीब है, मिसाल के तौर पर अदब, फ़न, नक्काशी वगैरह। लेकिन वो कहते हैं कि हम जो है वो तमद्दुन है और हमारे जो है वो तहजीब है। तहजीब और तमद्दुन में इतना फ़र्क है कि हम जो है वो तमद्दुन है लेकिन हमारे जो है वो हमारी तहजीब है। तमद्दुन के अमल से मुतय्यन मकासिद को हासिल करने के लिए तरीक़ों की तरक्की होती है। मिसाल के तौर पर पुराने ज़माने में आग, इंसान आग जलाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करता था, पत्थरों के ज़रिए आग जलाता था। लेकिन आज इंसान आग जलाने के लिए दिया, सिलाई, माचिस, लाइटर, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पत्थर और दिया सिलाई ये ज़राए हैं और आग मकसद है, यानी कि मकसद को पूरा करना है। लेकिन ज़राए तरीके अलग अलग हैं। पहले पत्थरों के ज़रिए आग जलाई जाती थी और अब दिया सिलाई के ज़रिए आग जलाई, मकसद एक है लेकिन तरीके अलग अलग हैं। इसी तरह आग जलाने के लिए पत्थर, दिया, सिलाई तरक्की हासिल की और उस तरक्की से इंसान को मिला इत्मीनान तमद्दुन कहलाता है। इंसान अपने राहत और आराम के लिए जिन तकनीकों और मादी वसाइल को तरक्की देती है वो तमद्दुन में शुमार होता है। तमद्दुन का दायरा अमल। तमद्दुन के दायरा अमल के दो हिस्सों में उसको तकसीम किया गया है। पहला है तकनीकी तंजीम, दूसरा है समाजी तंजीम। तकनीकी तंजीम में मादी तकनीकी वसाइल शामिल है, मसलन आमदोरफ्त के ज़राए, टेलीविज़न, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, लैपटॉप, पंखा, रास्ते, रेलवे वगैरह। ये तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के ज़रिए तमद्दुन होता है। जबकि समाजी तंजीम इंसान का बर्ताव, सुलूक, तरक्की पर ज़ब्त करना, कंट्रोल करती है। उसमें अलग अलग ख़ानदान, जमातें, तबकाती निज़ाम और समाजी तहरीकें और समाजी और माशी इदारे शामिल है। इसी तरह तमद्दुन, ये हमारा छोटा सा टॉपिक है जिसको हमें तहजीब से अलग रखना है कि हम जो है वो हमारा तमद्दुन और हमारे पास जो है वो हमारी तहजीब है। तमद्दुन यानी कि हासिल करदा ज़िंदगी के मुतालिक वो तमाम मामलात का मजमुआ जो हमें इंसानी हैवानी समाज से इंसानी समाज ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है।
तमद्दुन के दायरे अमल में दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, तकनीकी तंजीम और समाजी तंजीम। तो तकनीकी तंजीम में तमाम टेक्नोलॉजी की चीज़ें आमदोरफ्त के ज़राए का शुमार होगा, जैसे पंखा, टेलीविज़न, गाड़ी वगैरह, जिसके ज़रिए हम तरक्की कर सकते हैं। ज़िंदगी तो गुजारती ही है, लेकिन उसमें तब्दीली करके ज़िंदगी किस तरह गुजार सकते हैं। और समाजी तंजीम में इंसान का बर्ताव, सलूक, तरक्की, रस्म और रिवाज, ख़ानदान, जमातें, ज़ात पात वगैरह का शुमार होता है।